कि वो शो में था तो इसीलिए मैं बाहर हुई, मुझे नहीं लगता दैट इज वन ऑफ द रीजन. शुरू होने वाली है काफ़ी हद तक, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं एक कोने में बैठ के सल कर रही थी या मैं खेल नहीं रही थी या मेरा ओपिनियन नहीं रख रही थी चीज़ों को लेकर. ओवरपावर करने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, बट एक ही है जो उनका मुकाबला कर सकता है, वो बना लो मजाक यार. ठीक है, गई थी प्रेपरेशन कर कर. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला. तो जैसे कि आप जानते हैं, बिग बॉस OTT 2 को लेकर काफ़ी सुर्खियां बनी हुई हैं. तो अब बिग बॉस हाउस से खुद यहां पलक बाहर आ गई हैं, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उनका हाल कैसी है वो. हेलो पलक, हाउ आर यू? आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल. बहुत जल्दी बाहर आ गई, एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली. मुझे लगा था यार मैं लंबी रेस की घोड़ी हूँ, एंड तक तो जाना ही है बिल्कुल, बट ये जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई. ऐसे लगा कि बस घर छूकर वापस आई हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. इनकम्प्लीट थी जर्नी, काफ़ी कुछ बोलना था, काफ़ी कुछ करना था, काफ़ी कुछ सोच के गई थी, पिटारे में लेके गई थी, बट नहीं हो पाया. Yes, जैसे कि मुझे आज भी याद है कि आप 8 बैग्स पैक करके गई थी घर में. बना लो मजाक यार. ठीक है, गई थी प्रेपरेशन कर कर, गई थी पूरा जब मैं जाती हूँ तो पूरा तैयारी से जाती हूँ, तो अभी भी बैग्स पैक्ड हैं. वैसे मौका मिले तो भाग जाऊंगी अंदर. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी अंदर जाने वाले हो, आई एम श्योर. यस, तो पलक मुझे ये जानना था कि आपका गेम फीका कहाँ पड़ा, मतलब आप इतने वीक कहाँ से पड़ गए? बिकॉज जब जाने से पहले आप कितने एक्साइटेड थे, प्लस आप इतने ज़्यादा मतलब खुद में ही आप एकदम कॉन्फिडेंट देखे, हाँ मैं फाड़ दूंगी अंदर जाके. बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी गेम शुरू होने ही वाली है. काफ़ी हद तक मैंने ऐसा नहीं है कि मैं एक कोने में बैठ के सल कर रही थी या मैं खेल नहीं रही थी या मेरा ओपिनियन नहीं रख रही थी चीज़ों को लेकर. आई थिंक आई वॉज प्रिटी मच एक्टिव इन द हाउस, जितना सब थे वैसे. जिस दिन से मैं घुसी थी, दो दिन बाद घुसी थी, तो वो इट सेल्फ वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी, यू नो, कि घर में अपनी जगह बनाना, एलाइज बनाना, बॉन्ड्स बनाना. सो आई थिंक आई वॉज वेरी मच एक्टिव दैट वे. तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ कमी रह गई, बट डेफिनेटली मैं पहले ही दिन जाके अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहती थी. धीरे धीरे करके आप लोगों को दिखाओ अपनी पर्सनैलिटी, देर इज अ ग्राफ यू नीड टू डू. सो आई वॉज जस्ट फॉलोइंग दैट ग्राफ नेचुरली, वॉट वॉज कमिंग माई वे. सो आई वॉज जस्ट ट्रू टू माई सेल्फ, आई वॉज शोइंग द रियल पर्सनैलिटी ऑफ माई सेल्फ. तो कहीं तो शायद चुक गई. कहीं वो जो चुकने की जो वजह थी, कहीं वो अविनाश तो नहीं है? क्योंकि आप पहले ही जाने से पहले थोड़ा आपको नहीं था कि ऐसा कि हाँ वो भी शो में आए, सो कहीं कहीं ना वो तो वजह नहीं है उसके पीछे? मुझे नहीं लगता उस इंसान को मैं इतनी इंपॉर्टेंस दूंगी कि वो शो में था तो इसीलिए मैं बाहर हुई, मुझे नहीं लगता दैट इज़ वन ऑफ द रीजन. बट डेफिनेटली मेरी गेम अलग तो होती अगर वो शो में नहीं होते तो, बिकॉज काफ़ी लोगों को उनने ऑलरेडी कान भरना शुरू कर दिए थे चुगली चाची जैसे. तो मैं जब घुसी तो मेरे को कुछ लोग नॉन वेलकमिंग लगे अपने तरफ, बायसनेस थी डेफिनेटली. सो मैं सबके साथ मिंगल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दैट. जैसे कि आप और जिया थे साथ में, और बेबिका के मतलब आउटफिट को लेकर कहीं ना कहीं आपने और जिया ने कमेंट पास किया था, बट वो अननेसेसरली लोगों ने कुछ और ही वे में ले गए, उस पर क्या कहना है? हमने उसे बॉडी शेम नहीं किया, हमने उसके अपीयरेंस पे कुछ कमेंट नहीं किया. आई थिंक शी वाज वेयरिंग पर्पल, ब्लू एंड रेड. उस बेसिस पे हम लोग एक मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि एक दिन पहले उनने मुझ पे बहुत ही पर्सनल अटैक किया था. वो कहीं ना कहीं भड़ास भी थी मेरी, आई बी वेरी ऑनेस्ट. तो वो मेरे को थोड़ी बस भड़ास निकालनी थी, और कुछ नहीं. मैंने बस ये बोला यार ट्राई कलर पहन के आई है, बस वो ही था, और कुछ मैंने पर्सनल अटैक उस पर किया नहीं. सो पूजा भट्ट भी कहीं ना कहीं गेम अंदर बहुत ही शातिर तरह से खेल रही है, उन पर क्या कहना आपका? मुझे बस ये कहना है कि वो काफ़ी ओवरपावर करने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, बट एक ही है जो उनका मुकाबला कर सकता है, वो है अभिषेक अब इन द गेम. सो आई पर्सनली फील दैट व्हेन एंड एज रिक्वायर्ड ही शुड गिव इट बैक.